मुझे आप
मुझे सिंधी समझ नहीं आती, मुझे पंजाबी समझ नहीं आती, ये मुल्क नहीं था, हम इस सरजमीन पे रहे हैं। लेकिन अगर हम जुड़े हैं इस चमन के बॉर्डर से लेकर कश्मीर के आखिरी कोने तक, तो वो एक ही चीज है, वो है आईन का किताब। इस आईन की वजह से, इस किताब की वजह से हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और हम एक दूसरे का एहतराम करते हैं। लेकिन इस आईन को आज के दिन तक इन 70 सालों में किसने पामाल किया, किसने इसके टुकड़े टुकड़े किए? हमने तो आज तक इस मुल्क की किसी मुकाम को नुकसान भी नहीं पहुंचाया, लेकिन ना जाने क्यों लोगों के जुबान पे अर वक्त यहां पे इस धरती से रहने वाले लोगों के लिए गदार का लफ्ज निकल जाता है। यहां पे अगर इन चीजों को ना रोका गया, मैं हजार मरतबा खुदा ने पास ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगा जनाब आपके सामने, कि इसमें हमें किरदार अदा करना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है, यहां से जिधर हम बैठे हैं 200 गज के पास से अभी भी यहां पे 2 मासूम बच्चों के डेड बॉडीज पड़े हैं। आज 7वां 8वां दिन है, वो लोग 700-800 किलोमीटर का फासला देकर के जिनके पांव में जूते भी नहीं है वो उनके साथ बैठे हुए हैं। वो एक सवाल करते हैं कि आया इनका गुनाह, इनका कसूर, क्या आईन ने इस चीज की इजाजत दी है? लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, बोलिए हमारे लिए कोई नई बात नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ आईन की बालादस्ती और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और इसके लिए हमारी मदद भी की जाए और हमारे इस कमजोर आवाज को तकवीत देने के लिए हमें यकीन है कि इंशाल्लाह सरदार साहब आप हमारी आवाज बनेंगे, हमारी इस कमजोर आवाज को ताकत देंगे और खुदा रा हमारी इस कमजोर आवाज की ताकत आप बनेंगे और आप पहुंचे और हमें आपसे भी पहुंचा दें।